रेसिपी है तिल बेसन और गुड़ से बने हुए लड्डू। इसके लिए हमें चाहिए बेसन 75 ग्राम, घी 70 ग्राम्स, गुड़ 150 ग्राम और तिल 100 ग्राम। पहले आप तिल को सूखा 1-2 मिनट के लिए भूनकर एक अलग पैन में निकाल लें। अब घी डालें कढ़ाई में और उसमें बेसन डालकर उसे धीमी आंच पर भूनें। धीरे धीरे बेसन में एक अलग सी खुशबू आने लगेगी। बेसन सिकने लगेगा तो आप गैस को बंद कर दें और फिर भी उसे चलाते रहें, नहीं तो वह बेसन कढ़ाई गर्म होने की वजह से ज़्यादा भून जाएगा। बेसन का कलर चेक करें, बहुत ज़्यादा भी नहीं बट फिर भी उसका रंग बदल जाना चाहिए, और उसे भूनकर आप ठंडा होने रख दें। अब एक दूसरी कढ़ाई में गुड़ डालें और बहुत थोड़ा सा उसमें 1 बड़ा चम्मच पानी डालें और उसे पिघलाएं, हिलाते हुए उसे पिघला लें। गुड़ की हमें चाशनी बनानी है, उसे थोड़ी देर उबलने दें, फिर उसे एक पानी के बोल में डालकर चेक करें। जब आपको लगे गुड़ क्रंची हो गया है तब आप गैस बंद करें। तो एक दो बार देख लें क्रंची हो गया हो तो गैस बंद करें, और ये गरम गरम गुड़ ही हमने जो बेसन सेक के रखा है, ठंडा किया हुआ है, उसमें मिला दें। साथ ही साथ हमने जो तिल भून के रखे उसमें से 1 चम्मच छोड़कर, 1 बड़ा चम्मच छोड़कर बाकी सब इसमें मिला दें। अब इस मिश्रण को ठंडा होने दें। करीब 20 मिनट तक, 20 से 25 मिनट तक इसे ठंडा होने दें, फिर इसे ये कड़क हो जाएगा, इसे लेकर आप मिक्सी में पीस लें। मिक्सी में पीस कर इसे निकालें और अब जो हमने तिल बचा कर रखे हैं वो इसमें मिला दें। अब इसे हाथों से अच्छे से मिलाएं और छोटे छोटे लड्डू बनाएं। बहुत आराम से लड्डू बन जाते हैं। अगर आपने सब चीज़ मेज़रमेंट के हिसाब से ली है तो लड्डू बन जाएंगे। तो स्वादिष्ट तैयार है, स्वादिष्ट तिल बेसन गुड़ के लड्डू खाएं और खिलाएं। इस पर्व पर इसे ज़रूर से बनाएं और बताएं आपको कैसे लगे।